वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ हमेशा की तरह मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और 9 से 11 बजे तक हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। हम तो जनाब तैयार हैं और आपको रोज़ की तरह इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप टीवी ऑन करें तो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिले। जनाब आज की रिसर्च बहुत मज़े की है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लोग जेल जाने से कितना ज़्यादा भागते हैं और ये तो हमें पता है कि खुदा ना खास्ता आपको कभी जेल की हवा खानी पड़े तो बहुत सही टेंशन हो जाती है। लेकिन जनाब काम से, जो काम का दबाव है या काम से निजात कुछ टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं, तो एक ऐसी जेल बनाई गई है जहाँ पर आप जा सकते हैं और सुकून से कोई 7 दिन, कोई 2 हफ्ते के करीब आप वहाँ पर आराम से अपना टाइम जो है वो गुजार सकते हैं। जनाब जनूबी कोरिया में काम से उकताहट के हवाले से और बीमार होने वालों के लिए खसूसी एक जेल बनाई गई है और जो लोग हैं वहाँ पर अंधाधुंध काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद बीमारियों का, तनाव का शिकार हो रहे हैं और लिहाजा उनकी इन जिम्मेदारियों को या उनकी इन परेशानियों का बोझ हल्का करने के लिए एक मखसूस किस्म की जेल बनाई गई है जिसे इंसाइटमी का नाम दिया गया है। और जनाब यहाँ पर मौसम गर्मा की छुट्टियों में जो लोग हैं वो सुकून की खातिर आते हैं और 2008 में बनाई गई थी और ये जगह उन लोगों के लिए जो हफ्ते में तकरीबन 100 घंटे के करीब काम करते हैं और शदीद थकन के बाद उनकी जो घबराहट है, उनका जो ज़हनी तनाव है, उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन एक ऐसी जेल बनाई गई जनाब कि क्यों ना एक हफ्ता ऐसी जगह पर गुजारा जाए जहाँ पर आप जा सकें, जहाँ पर ना आपका बॉस हो, ना आप स्मोकिंग कर सकें, ना आपको कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़े। लिहाजा उन्होंने एक इसी कॉन्सेप्ट के तहत एक आरामदेह और पुरसकून किस्म की जेल बनाई है जहाँ पर आप जा सकते हैं। अब तक इस जेल में 2000 अफराद जो हैं वो आ चुके हैं। कुछ में से एक, कुछ इसमें एक दिन रहते हैं और कुछ 7 दिन रहते हैं, कुछ 2 हफ्ते रहते हैं। इसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं, यानी कि बॉसेस भी हैं, आला इदारों के तलबा भी हैं, या अब जो बात की जाए CEOs भी हैं। हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं सुकून की खातिर। टोटल यहाँ पर जनाब 28 कमरे हैं और कई प्रोग्राम्स और जो लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर बनाई गई हैं और हर कमरे में ज़रूरी अशिया के अलावा एक डायरी मौजूद होती है, योगा मैट होता है और इसके अलावा हंगामी हालत में कोई आपको अपडेट करने वाले एक एमरजेंसी बटन होगा। तो लिहाजा और जनाब यहाँ पर एक शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 50 साल शख्स हैं जिन्होंने कहा कि वो पहले लोग से अदम एतमाद रखते थे लेकिन यहाँ वक्त गुजारने के बाद वो तमाम जो मनफी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके जो लाइफ में से बिल्कुल माइनस हो गई है। और जनाब इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 100 किलोमीटर जो है दूर वाक़ जेल का हर कमरा 6 मरबा और कोठरी नुमाए। भैया आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसमें जहाँ पर लोग वक्त गुजारते हैं वो बिल्कुल एक जेल की शक्ल है। तो जनाब यहाँ पर ज़्यादातर वक्त आप साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं या आप बुक भी जो है बुक रीडिंग की बात की जाए वो आप कर सकते हैं। तो इंसाइटमी में 2000 के करीब यहाँ पे अफराद आ चुके हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ है और नो डाउट कल भी हमने इतनी डिटेल डिस्कशन की है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स या इर्द गिर्द के फैक्टर्स से ज़्यादा आप अडेप्ट करते हैं। तो लिहाजा आपने अपने आप को अगर बिल्कुल माइनस करना है तो आपको डेफिनेटली मी टाइम चाहिए, इस तरह का टाइम चाहिए। हाँ अगर आपको जेल इतना कंफर्टेबल मिल रहा है तो ख्याल से आप आराम से रह सकते हैं वहाँ पर, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप रहें, अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें वहाँ पर, ताकि आप एक नए स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तौर पर तैयार हों, फ्रेश स्टार्ट हो। तो जनाब जनूबी कोरिया में ये एक जेल बनाई गई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो आपके साथ हमने शेयर की। जनाब ड्रोन्स के ज़रिए हवा में जो एक आप देखते हैं खूबसूरत सा मंजर जो है उसकी मंजरकशी करना, ये बहुत हमने पहले भी आपके साथ 2-3 बार शेयर किया है। तो जनाब चीन में दोबारा से ड्रोन शो का इनेकाद किया गया है जिसमें ड्रोन जो हैं वो दिलचस्प नज़ारे आपको दिखाते नज़र आ रहे हैं और ये मुनफरद नौयत के इस ड्रोन शो में LED लाइट से तकरीबन 300 ड्रोन्स को एक साथ हवा में आसमान में उतारा गया और इनकी जो ड्रोन्स की खूबसूरत फॉर्मेशन है वो कुछ इस अंदाज में दी गई कि मुख्तलिफ शेप्स और जिससे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं राउंड शक्ल में और फिर एक फ्लावर बन रहा है, मुख्तलिफ शेप्स में उन्होंने ड्रोन को हवा में उड़ाया और लोगों ने इस मंजर को कैप्चर भी किया, सोशल मीडिया पे शेयर भी किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। नो डाउट ड्रोन्स के जरिए हमने पहले भी देखा, रशिया में भी इस तरह का कोई हुआ था फेस्टिवल सा जहाँ पर हुआ और उसके बाद अब चाइना में हुआ है। तो जनाब ये तो थी जो दुनिया भर में हो रहा है, हमने आपको बता दिया है क्या क्या हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ को भी एड्रेस कर लेते हैं
बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे स्किन के मसाइल होते हैं आपको, बालों के मसाइल होते हैं और भी दीगर मसाइल होते हैं, तो इनकी सबसे पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास, कहते हैं पहले आप अपने हॉर्मोन्स का चेकअप करा लें। हॉर्मोनल डिसऑर्डर खवातीन में, लड़कियों में बहुत कॉमन होता है। किस वजह से होता है, क्या क्या मसाइल होते हैं इसकी वजह से, ये आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, डॉक्टर आलिया मसूद। वेलकम टू द शो डॉक्टर आलिया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर आलिया। हम हॉर्मोनल डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो बेसिकली है क्या इम्बैलेंस या डिसऑर्डर, जो भी हम कहें। जिस टॉपिक का आप बात कर रहे हैं कि अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो हमें कहते हैं कि पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि हॉर्मोन्स नॉर्मली मेल हॉर्मोन्स हैं, फीमेल हॉर्मोन्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फीमेल्स के अंदर रेशो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कुछ मेल हॉर्मोन्स जो हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा हो जाते हैं। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक टेंडेंसी है, कुछ फैमिलियल होता है, फैमिलीज में रन करता है। अगर मदर को प्रॉब्लम है तो बेटी को हो सकता है, या अगर मदर के रिलेटिव्स में प्रॉब्लम है तो इवन देन भी बेटी में हो सकता है। सेकंड में आ जाता है कि फिर इन हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं। उनमें देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट बढ़ता है। सबसे पहला जो पेशेंट ने खुद भी इग्नोर किया होता है, खासतौर पर उसका जो एब्डोमिनल फैट है, विजरल फैट जिसको हम कहते हैं, कि पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जब हम पेशेंट को थोड़ा रियलाइज करवाते हैं तो फिर वो कहते हैं हाँ थोड़ा सा बढ़ा है, अदरवाइज ओवरऑल वेट इतना नहीं भी बढ़ता अगर हम देखा जाए। लेकिन बहुत सारी जो हेल्दी खवातीन होती हैं वो ज्यादातर का इशू यही होता है कि उनके को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसमें वेट चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल आती हैं, उसके बाद थोड़ा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, सर के बाल गिरते हैं, और फिर फेस पे चेंजेस आती हैं, जैसे एक्नी हो जाता है और फेस पे थोड़ा फेशियल हेयर ज्यादा हो जाते हैं, उनमें चिन पे हो सकते हैं और अपर लिप्स पे हो सकते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के साथ जब पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है और फिर वो हमारे पास रेफर करते हैं, तो फिर हम उसके कुछ हार्मोनल लेवल्स करवा लेते हैं। उनमें कुछ हम उसको स्पेसिफिक डेज बताए जाते हैं कि आपने इन डेज में लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट होता है। उन टेस्ट के जरिए फिर हम उन्हें सेवेरिटी बता देते हैं कि ये कितना प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है या माइल्डली डिस्टर्ब है। माइल्डली डिस्टर्ब को थोड़ा हम जैसे डाइट है या एक्सरसाइज है, मतलब चेंज इन लाइफस्टाइल के साथ हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इम्बेलेंस हो फिर हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आलिया, नॉर्मली हॉर्मोनल डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस होती क्यों है? बेसिकली जेनेटिक तो एक फैक्टर है ही, लेकिन क्या हमारी लाइफस्टाइल भी इस पर असरअंदाज? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत अफेक्ट करती हैं। जैसे आप इवन यंग गर्ल्स में, बॉयज भी हैं लेकिन यंग गर्ल्स में भी आप देखें, टीन एज में भी बच्चियां जो हैं वो पिज्जा, फास्ट फूड बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, और इसके साथ साथ फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, उसके साथ फिर एडेड चिप्स हैं, और उसके साथ फिर कैचअप मिलाई जाती है, और भी जितने भी स्वीट्स हैं आप, बच्चे ज्यादा इन चीजों को लाइक करते हैं। पिज्जा हर वीकेंड पे तो मस्ट है कि आएगा, और ऑर्डर कर दिया अब तो इवन हमें पता भी नहीं होता, घर पे बेल होती है और पता चलता है कि जनाब ये आपका ऑर्डर आ गया। तो ये टेंडेंसी थोड़ा सा बच्चों में केयरफुल पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो जरा केयरफुल हों कि इस एज में बच्चे थोड़ा सा ठीक है कभी कभार ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रूटीन में नहीं। और सेकंड में जितनी भी हमारे शुगर्स, जिन चीजों में मीठा ज्यादा है, वो भी हमारी लाइफ को इस पर अफेक्ट करती हैं। और फिर इसके साथ जितनी भी मैदे की, जैसे फाइन फ्लोर जो है उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। इसलिए जितना जो अगर हम होल व्हीट ग्रेन्स के साथ जो लेंगे ना, होल व्हीट में है, ये लेंटल्स हैं, जैसे ये दालें हैं, बेसन है, इनकी चीजें जो हैं ये रिलेटिवली यूज की जाए मैदे की प्रोडक्ट्स के बजाय, तो वो ज्यादा उसकी हेल्दी भी हैं और उसमें वेट गेन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आलिया, आप सिम्टम्स बेसिकली, एक तो वेट गेन हो गया, फेशियल हेयर हो गया, इसके अलावा भी कोई ऐसे सिम्टम्स और किस एज में ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू करते हैं, ऑब्वियस होना शुरू होते हैं? हाँ, ये हर एज में कॉमन है लेकिन इसके सिम्टम्स चेंज, जैसे यंग गर्ल्स में है तो उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, लेकिन अगर बड़ी एज में आ जाए आफ्टर मैरिज तो फिर इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा इसमें है कि बच्चे जो हैं वो फिर प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी होने में इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, ये ट्रीटेबल है सारा? अगर पेशेंट कोऑपरेट करे, पेशेंट की अपनी विल पावर बहुत जरूरी है, पेशेंट को हम मोटिवेट करते हैं कि आप जब तक खुद एफर्ट नहीं करोगे, अपना वेट रिड्यूस, अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, तो हम बीमारी को सिर्फ मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगर पेशेंट कोऑपरेट करे तो डेफिनेटली 100% क्योरेबल है कि ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर आलिया तो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के हवाले से मैं बता रही हूँ, और अभी हमने डाइट की भी बात की कि आपका डाइटरी हैबिट्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उमर फरवा हमारे साथ मौजूद होंगी, माय न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे हम बात करेंगे। उमर फरवा, आप हार्मोन्स की हवाले से जो डाइट है वो क्या रिकमेंड करेंगे? जी अर्मिला, आज हम बात कर रहे थे हार्मोनल इम्बेलेंस पे,
जिस तरह के हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हार्मोनल इम्बेलेंस और स्पेसिफिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिससे आम जुबान में PCOS भी कहते हैं, इसकी प्रेवलेंस बहुत हाई होती जा रही है। और इसमें हम ये भी ट्रेंड देखने में आ रहा है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन में प्रोसेस फूड की जो कंजप्शन है वो बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, इसके अलावा लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है कि एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि शायद ब्रॉयलर चिकन की वजह से जो है उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज या हार्मोनल इम्बेलेंस आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम जब बात करते हैं कि किसी को PCOS है तो उसके जो कॉमन हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, विच इंक्लूड एक्नी, फेशियल हेयर ग्रोथ, इसके अलावा वेट गेन और कुछ केसेस में हेयर लॉस भी होता है। तो उसमें जो है लोगों को ये लगता है कि अच्छा शायद चिकन की कंजम्पशन हाई हो गई तो उसकी वजह से PCOS हुआ, इस तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, यानी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन आपके जो सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आपकी बॉडी में मौजूद है। तो ऐसे में जो हम डाइट थेरेपी कहते हैं उसमें यही रिकमेंडेड है कि पेशेंट जो है उसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जितनी भी ब्रेड, रोटी, चावल, इस किस्म की चीज़ें उनको हम डाइट में कम करेंगे, फाइबर इंटेक बढ़ा देंगे, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल जो है उनका वो अपना इंक्रीज़ करें। और जब उसमें डाइट में कार्ब्स और शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स का इंटेक कम होगा तो नेचुरली उनकी एक्नी जो है वो भी कंट्रोल होगी। जैसे ही वेट लॉस की तरफ वो जाएंगे तो हार्मोनल इम्बेलेंस जो है वो आप उसको दोबारा बैलेंस कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी जो इसके लिए कोई अगर स्पेसिफिक जो कोई सुपर फूड्स हैं जो हार्मोनल इम्बेलेंस को क्योर कर सकती हैं, उसमें सिनेमन है, जिसे हम आम जुबान में दालचीनी भी कहते हैं। अगर पेशेंट दालचीनी का कहवा बना के पिएगा तो उससे भी उसका हार्मोनल इम्बेलेंस जो है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं अपने सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आप, अगर आपको हार्मोनल इम्बेलेंस या और कोई भी हेल्थ कंडीशन है, तो प्लीज़ हमेशा किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन को कंसल्ट करके अपनी डाइट थेरेपी जो है वो आप प्लान करवाइए। हमेशा यही सजेस्ट मैं करती हूँ कि बैलेंस डाइट ली जाए, 5 मील्स अ डे हों। कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसको आपने अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर देना। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, लोग कीटो डाइट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर हम कीटो डाइट को करेंगे तो उसमें कोई मैजिक है और उससे हार्मोनल इम्बेलेंस ठीक हो जाएगा। वो बेसिकली आप बॉडी का जो एक नेचुरल मेटाबॉलिक पाथवे, आप उससे हटकर उसको लेकर जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो फैट्स पे सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वो लोग जिनको ये लगता है कि कीटोजेनिक डाइट से वो इसको ठीक करें, वो बेसिकली अपनी बॉडी को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी प्री मेच्योर एजिंग की तरफ जाती है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म जो आपके वेट लॉस गोल्स हैं उसको नहीं देखना चाहिए, हमेशा ट्राई टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डाइट्री इनटेक जो है उसको बैलेंस लेके चलिए, 5 मील्स अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इन बिटवीन मील्स आपके जो 2 स्नैक्स हैं उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीन सैलड ले सकते हैं एज अ स्नैक। अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली ऐसी डाइट को इन द लॉन्गर टर्म आप उसको ईजिली फॉलो कर सकेंगे, और उसके साथ जब आप डाइट के साथ कंप्लाइंस रखेंगे तो नेचुरली आपका जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो ठीक होता जाएगा। और उसमें गायनोकोलॉजिस्ट जो है उसका भी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको हार्मोन थेरेपी या हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिस तरह ग्लूकोफेज, वो आमतौर पे दी जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अगर वो भी देते हैं तो उससे भी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स हैं इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही इम्प्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली फिर उसमें जितना भी डिप्रेशन का इशू था, जितना वो बंदे का लो सेल्फ इस्टीम का इशू था अपनी अपेयरेंस को लेके, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच उम्मीद फरवा, आप हमें बता रही थी कि किस तरह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस को डाइट के जरिए क्योर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलिया, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी टिप दी। जनाब अपनी डाइट का ख्याल रखें और अच्छी डाइट खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, और इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल जो है उस पर मॉडिफिकेशन करें। जनाब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।